भारत 2024 में अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में आम आदमी से लेकर सरकार तक सब जुटे हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गया है। ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से बंधा देश आजादी की पहली सांसें ले रहा था। ये दिन हमारे लिए गर्व और उल्लास का प्रतीक है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और घरों में झंडा फहराया गया, जो स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में ऊंचा लहराया। आजादी का ये तोहफा हमारे पूर्वजों के बलिदान की कहानी है। एक ऐसा दिन जब हमने बिना किसी डर के नीले आसमान के नीचे अपनी आजादी का जश्न मनाया है। हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं ने हमें एक अद्वितीय पहचान दी है। ये पहचान संघर्ष की उस लंबी यात्रा की याद दिलाती है, जिसे हमारे शहीदों ने अपने खून और पसीने से सींचा है। स्वतंत्रता दिवस पर हम उन वीरों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह स्वतंत्रता दी। फिर आप गोरखपुर की पंक्तियों में लहू वतन के शहीदों का रंग भरता है, जो हमें आजादी की कीमत का एहसास दिलाते हैं। यह दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आती है। हर 15 अगस्त को हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं, असमानता, अन्याय और भ्रष्टाचार। हमें एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा। आज भी हमारे जवान सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। 15 अगस्त हमें न केवल स्वतंत्रता की सौभाग्य है बल्कि हमें जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने देश को एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां हर नागरिक स्वतंत्र, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। NBC News की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।